हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के स्टैंड्स कैसे होते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट का स्टैंड है और ये सिंगल स्टैंड है, ये भी एक सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड ऐसा होता है और ये जो डायमीटर होता है ये अलग अलग होता है। जो चौड़े गमले हैं उनके लिए थोड़ा चौड़ा होता है और कई स्टैंड होते हैं जिनमें ये इस टाइप से होता है। नीचे बीच में भी इसके वो बना रहता है, ये जैसे ये वाली चीज़ है, ताकि किसी भी साइज़ का पॉट इसमें फिट आ जाए। तो ये एक सिंगल स्टैंड है जो बहुत हेल्पफुल है। और टाइप के मैं दिखाती हूँ और यूज़फुल कितना है और कितना कामयाब है, कहाँ कहाँ हेल्प करता है, पेड़ों को हेल्प करता है, क्लेनलीनेस में हेल्प करता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अलग अलग टाइप के मेरे पास कौन कौन से हैं। ये मिल जाता है आप लोग आपको करीब 200-250 मैक्सिमम में, और कईयों में ये ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा रहता है और अंदर लोहा होता है, और कई खाली लोहे के होते हैं जो कि पेंटेड होते हैं। ये जैसे पेंटेड है ये वाला। अब और दिखाती हूँ सिंगल स्टैंड अलग साइज के। ये भी एक और सिंगल स्टैंड ही है, मगर इसमें क्या है, ये स्टैंड है और इसमें मैंने ये कॉम्बिनेशन कंटेनर रखा हुआ है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, और ये स्टैंड के साथ में नीचे जो है नीचे ऐसे दिया हुआ है जिसमें मैंने एक और गमला रखा हुआ है वॉन्डरिंग जू का। तो एक के नीचे एक हो गया, ये डबल स्टैंड है। हालांकि ये नीचे इन्होंने बनाया नहीं है, इन्होंने खाली इसके पैर बनाए हैं और उसमें मैंने ये रख दिया ऐसे करके, ऐसे रख दिया है। और एक और दिखाती हूँ जो मैंने इस गमले को रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला गमला, ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए ये है और इसके ऊपर ये रखा है प्लेट के ऊपर। और ये क्या, ये बहुत छोटा है, ये आपको अपने डाइनिंग रूम किचन से भी मिल जाएगा। ये इसलिए रखा है क्योंकि ये जो वॉन्डरिंग जू है इसमें अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब होता है, और इसकी जो ड्रेनेज होल है इसको ये क्लॉग ना हो, इसलिए इसके ऊपर इसको रखती हूँ मैं। अब इसमें से पानी ड्रेन होता रहेगा और ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो बहुत छोटे, एक और मैं दिखाती हूँ जो बहुत छोटा स्टैंड है, आइए देखते हैं। ये एक और स्टैंड है, ये एक्चुअली में घड़े का स्टैंड है और ये बहुत चीप मिल जाता है, 150-100 रुपये में मिल जाएगा, और ये छोटे गमलों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक टेक अवे एक हल्का कंटेनर है और इसके ऊपर ये है, बहुत प्रिटी लगता है। ये तो मैंने डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है, वैसे ये इतना स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इतना डेलिकेट नहीं है, क्योंकि ये घड़ा जब भरता है पानी से तो काफ़ी वेट हो जाता है, वो ले लेता है ये। ये एक और सिंगल छोटा स्टैंड है। एक और छोटा स्टैंड दिखाती हूँ, ये है, और ये गमले को 2-4 इंच ऊपर रखता है, मगर ये पूरा एडवांटेज देता है। और इसमें मैंने काफ़ी बड़ा गमला एक रखा हुआ है इंडोर, ये नियॉन पोथोस का है और काफ़ी गमला काफ़ी बड़ा है, और ये एक सिंगल छोटा स्टैंड है, और ये साथ में ट्रे है ताकि पानी कंटेन रहे, इसमें पानी फैले ना। ये एक और स्टैंड है जो बहुत हाई नहीं है, इसके पैर देखिए काफ़ी शॉर्ट है, और ये एक काफ़ी बड़े कंटेनर में है। ये ऑक्सीकार्डियम का गमला है और इसको मैंने काफ़ी हैवी गमले को इसमें रखा हुआ है। और एक और स्टैंड दिखाती हूँ जो थोड़ा लंबा है हाइट में, ये देखिए ये सारे हाइट में लंबे हैं, क्योंकि मेरे को इनके लिए थोड़ा ट्रेल करने के लिए थोड़ा लंबा चाहिए था। ये एक फर्न है, बॉस्टन फर्न, इसके नीचे भी काफ़ी लंबा एक स्टैंड है, ये देखिए ये है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी हो रही हैं। एक और स्टैंड सिंगल दिखाती हूँ जो काफ़ी टॉल है, ये वाला है, इसमें मैंने ये एरिका पाम रखा हुआ है। तो ये अलग अलग हाइट में मिल जाएगा आपको, और हर हाइट में वही एडवांटेज मिलेगा जो छोटे में होता है वही बड़े में होता है।
ये एक और वर्टिकल स्टैंड है जो जिसमें कई सारे ऐसे, देखिए ये एक रखा है, इसमें एक ये गमला है, एक ये गमला है और एक ये गमला है, और ये पूरा स्टैंड फोलियस से भर गया है। ये देखिए इसमें है चार गमले और ये स्टैंड पे खड़ा हुआ है। ये भी मल्टीपल स्टैंड है। जो मल्टीपल स्टैंड है ये आपको 300-350 पे मिल जाएंगे। हल्के होते हैं ये और ये छोटे कंटेनर्स के लिए हैं, और कुछ होते हैं जो टॉल भी होते हैं, हैवी आयरन के होते हैं। ये सिंपल विंटर फ्लावरिंग प्लांट या समर फ्लावरिंग प्लांट या कोलियस इस टाइप के हल्के पॉट्स रख सकते हैं। ये स्टैंड है जो काफ़ी आयरन का है और थोड़ा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और इसके ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ऊंचा नहीं है मगर इनफ है। ये 750 में मिल जाता है और ये डबल लेयर्स में रहता है, और ये छोटे छोटे गमले बहुत सारे इसमें एकोमोडेट हो जाते हैं। तो अब साथ साथ मैं ये भी बताती चलती हूँ कि गमलों, ये स्टैंड क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टैंड देखिए आप समझ गए होंगे इसको देख के, स्टैंड इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगह बचाते हैं आपकी, और आपको जो शौक है बहुत सारे गमलों का और बहुत प्लांट्स रखने का, वो एक जगह एकोमोडेट हो जाते हैं, और ये नीट भी लगते हैं। ये भी ऐसा ही है, ये भी 750 का है और दो लेयर्स में है, और काफ़ी गमले आ जाते हैं इसमें। नीट लगने के अलावा जब आप झाड़ू लगाते हैं, क्लीन करते हैं, क्योंकि इसमें से मिट्टी गिरती है, पानी गिरता रहता है और कुछ पत्ते भी झड़ते हैं, तो नीचे से आप झाड़ू लगा सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है। अब एक और दिखाती हूँ, ये गमला, ये स्टैंड है, ये मैंने दो लेयर्स में थोड़ा हैवी गमलों के लिए बनाया था, और ये है थोड़ा महंगा, ये था करीब 2-2.5 हज़ार का, और ये रेडीमेड नहीं है, ये हम लोग ने लोहे का अपना ऑर्डर देके थोड़ा लंबा बनवाया है। एक ये स्टैंड है, ये खाली सिंगल है, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये खाली सिंगल है और इसमें भी काफ़ी सारे गमले आ जाते हैं, और मगर दूसरा लेवल नहीं है इसमें, एक ही लेवल है खाली, और इसका फ़ायदा है प्लांट्स को बहुत फ़ायदा रहता है। ये दीवार पे माउंट करने वाला सिंपल है, और ये भी 150-200 में आराम से मिल जाता है, कईयों में तीन होते हैं, कईयों में चार होते हैं। ये एक वर्टिकल गार्डन है, पूरा स्टैंड है जो दीवार पे माउंट किया हुआ है, और ये छोटे छोटे देखिए ऐसे मैंने एक निकाला है, ये छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं जिनमें मैं अलग अलग प्लांट्स लगाती हूँ, कुछ सर्दियों के, कई बार विंटर्स के। अभी फेबरी है तो ये कलेंचू खेलने वाले हैं, नस्टेशियम लगे हुए, तो ये छोटे कंटेनर्स निकल जाते हैं, आप इनमें ग्रो कर सकते हैं, स्पेयर भी मिलते हैं, लगा के रख सकते हैं, और इनको जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। ये जैसे सिंगोनियम कई दिनों से इसी में ही है, तो ये आप अलग अलग इसका अपना इमेजिनेशन यूज़ करके प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये मिल जाता है करीब आपको, आजकल तो सस्ते मिलने लगे, मैंने थोड़ा महंगा लिया था, 3-4 हज़ार 5 हज़ार, डिपेंड करेगा आपका कितना एरिया ये कवर कर रहा है दीवार का, और ये बहुत प्रिटी लगता है, स्पेस भी सेव करता है। ये जो स्टैंड्स होते हैं इनके एडवांटेज और देखते हैं क्या है प्लांट्स के लिए। जैसे ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें अगर एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग का स्टैंड पे रखा हुआ अगर पौधा होगा तो इनमें से ड्रेनेज बहुत अच्छा होगा। ये जितने भी गमले हैं इनका ड्रेनेज होल फ्री रहता है, जिसकी वजह से फटाफट पानी ड्रेन हो जाता है, हर गमलों का यही है। कई बार जब ज़मीन पे रखते हैं हम लोग कई गमले, तो क्या होता है उसका ड्रेनेज होल थोड़ा क्लॉग कर जाता है, बंद हो जाता है, और अगर स्टैंड पे रखा हुआ हो तो फ्री रहता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो स्टैंड पे रखे हुए स्पेशली रेनी सीजन और विंटर्स में ख़राब नहीं होते हैं, और पानी एक्स्ट्रा उनमें बहुत इजीली ड्रेन होता है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्टैंड का। फ्लावरिंग प्लांट्स हों चाहे पेरिनियल प्लांट्स हों, पानी टिकता ही नहीं है। स्टैंड का एक और एडवांटेज होता है कि बहुत सारे गमले एकोमोडेट होते तो हैं ही, साथ में सब में ब्राइट लाइट आराम से मिलती है, क्योंकि दो लेवल्स, तीन लेवल्स पे होता है,
तो सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्राइट लाइट सबको मिलेगी। ये स्टैंड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये ज़रूर लेके आइए अलग अलग साइज़ शेप के, और आपके गार्डन के, टेरेस के और बालकनी के हिसाब से, और प्लांट्स को खूब अच्छे से डेकोरेट करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।